नमस्कार। टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बच्चे से जिसका उम्र हर साल बदलता है, पर उसका क्लास उम्र के साथ नहीं बदलता। पिछले 5 वर्षों से पंचवर्षीय योजना की तरह 5वीं क्लास में ही अड्डा जमाए हुए हैं। तो स्वागत करते हैं। और चॉकलेट डोनट? अरे नहीं, अभी चॉकलेट नहीं, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे। खराब हो जाने दो अंकल, डोनट डोनट डोनट। अरे ओहो, अरे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, और जानते हो दांत टूट भी जाते हैं। टूट जाने दो, टूट जाएगी ना अंकल, तुम्हें पापा वाला दांत लगा लूंगा। ओ यानी कि तुम्हारे पापा का दांत नहीं है? नहीं अंकल, उनका जो है ना दांत टूट गया है। मम्मी ना एक बार जो है ना गैस का सिलेंडर उठा के पापा के पे मार दी, तो बस उनका दांत टूट गया। तो यानी कि तुम्हारे पापा नकली दांत लगाते हैं? और क्या, अब परसों ना उनका दांत कौवा लेके उड़ गया था। अब मम्मी वाला दांत लगा के जो है ना घूम रहे हैं। तो अंकल दो ना, अंकल चॉकलेट दो ना, नहीं तो मैं सुसु कर दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी रुको। अरे सेठ को वेट मत करो, यहाँ बाथरूम मत बनाओ। ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा रुको, हम चॉकलेट निकाल के देते हैं। देते हैं देते हैं देते हैं, ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। तो चॉकलेट। तुम्हारा नाम नट्टू है ना अंकल? हाँ हाँ, मेरा नाम नट्टू है। नट्टू नटवर लाल? हाँ, नट्टू नटवर लाल, यानी NNL। हाँ, NNL। हमको पता है तुम्हारा नाम NNL क्यों है। मेरा नाम NNL क्यों है बताओ? क्योंकि तुम नट्टू हो। चुप। एकदम चुप। हाँ ऐसे ही चुप रहना। मेरा नाम नट्टू है। अंकल एक बात बोलू? तब से तो तुम ही बोले जा रहे हो, बोलो फिर से। अभी हमारे साथ हैं 5th क्लास के स्टूडेंट जो पिछले 5 सालों से 5वीं में ही डेरा जमाए हुए हैं। अच्छा बेटा यह बताओ। नहीं अंकल, पहले आप एक बात बताओ। क्या क्या है अंकल? ये परियां होती है ना? हाँ हाँ होती है परियां। तो अंकल ये जो परियां होती है ना, वो आकाश में उड़ती हैं? हाँ एकदम आकाश में उड़ती हैं। सही में अंकल? हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो तुम? अंकल वो मेरे घर पे काम वाली बसंती आती है ना, उसको पापा रोज बोलते हैं तू तो मेरी परी है, पर वो अंकल उड़ती ही नहीं। घबराओ नहीं बेटा, जा करके मम्मी से बता देना, सुबह होने से पहले वो उड़ जाएगी। सच्ची अंकल? मुच्ची। तो अंकल एक बात पूछूं? क्या है बे? अच्छा तुमको इंग्लिश आती है? आती है। अच्छा हाँ, हम तो इंग्लिश का बुक लेकर के ही पैदा हुए थे। अच्छा हाँ, तो इसको जरा ट्रांसलेट करके बताओ। किसको? ये काम होगा नहीं, और होगा तो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। अबे ये कैसा ट्रांसलेशन है, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? बताओ ना अंकल, तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं पता। तुम भौको। भौको? हाँ भौको। दिस वर्क विल नॉट बी डन, एंड इफ डन देन डन 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 डन। इसीलिए हमको पता है कि तुम 5 साल से एक ही कक्षा में एक ही क्लास में क्यों पढ़े हुए हो। हाय हाय, तुम इसका जो है और एक्सपीरियंस लो, एक ही क्लास में और 5 साल रहो, तब जाकर के तुम पक्का होगे। अच्छा बेटा आप ना सबको अपना नाम बताओ। कौन सा वाला अंकल? कौन सा वाला से मतलब, अरे कितना नाम चिपका के घूमते हो जी। अंकल मेरे ना 3 नाम है, 3, एक मम्मी वाला, एक पापा वाला और एक स्कूल वाला है ना। आपका जो है ना फेवरेट नाम जो है वही सबको बता दीजिए। बता दूं अंकल? हाँ बता दीजिए। उल्लू का पट्टा। ओए ऐसे परों से बातें की जाती है?
अंकल पापा ना मुझे उल्लू का पट्टा बुलाते हैं। और आपको आपको जो है ये नाम सुन करके बड़ा अच्छा लगता है ना? और क्या अंकल, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें ना पट्टा मैं हूँ और उल्लू पापा है। एकदम चालू लौंडा है जी। अंकल एक बात पूछूं? इतनी देर से तो पूछिए रहे हो, पूछो फिरो से। अंकल तुम्हारा ऊपर का महला सफा चट क्यों है? तुम्हारे सारे बाल कहाँ गए? भैंस चर गया है। खुश? भैंस चर गए क्यों अंकल? तुम्हारे सर पे घास उगते हैं क्या? अबे चुप, एकदम चुप। मेरे सर पे घास उगते हैं? बेटा मेरे सर पे घास नहीं, भूसा उगते हैं, भूसा। अंकल भूसा तो उग ही नहीं सकते। नहीं। क्योंकि भूसा तो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। मेरे दिमाग में एकदम जो है ना हमारा दिमाग खराब करके रख देगा। अंकल क्या नट्टू? अंकल मैं भी गाना सुनाऊंगा, मैं भी गाना सुनाऊंगा। और चुप, अभी पोयम सुनाने का दिन है तुम्हारा, गाना बाद में सुनाना। अंकल एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना रे, तब से तो तुम ही बोल रहे हो, हमको मौका कहाँ दिया बोलने का, बोलो। अंकल मुझे ना स्वीटी बहुत अच्छी लगती है। ओ तुमको स्वीटी बहुत अच्छी लगती है, चलो बजा दिया, खुश हो गए ना? अंकल स्वीटी नहीं, स्वीटी स्वीटी। स्वीटी? हाँ अंकल, और मैंने ना उसके लिए टीचर्स डे पे गाना भी गाया था, और मैंने ना उसके लिए गाना गाया था, सुनाओ अंकल। हाँ सुनाओ, हम तुम्हारा ये शौक जो है ना, शौक हम पूरा कर देता हूँ। ठीक है अंकल, आप ना सावधान बोलना। हाँ? हाँ? मैं ना स्कूल में जब भी गाना गाता हूँ ना तो टीचर लोग सावधान बोलते हैं, ठीक है अंकल? हाँ, हाँ, सावधान। सुनाओ अंकल। सुनाओ। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम तो, कितनी सुंदर हो तुम तो, मेरी प्रियवर हो। अबे पांचवा क्लास का बुढ़ा आदमी, अपने सीट पे बैठ जा। अगर बचपन से पढ़ाई किया रहता तो आज एडल्ट की गिनती में आता, लाइनबाजी कर रहा है। बेटा तुम हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 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 प्रोग्राम खत्म अंकल? हाँ प्रोग्राम खत्म हो गया बेटा। द एंड? हाँ द एंड, चलो यहाँ से फुटो। मतलब अब अंकल कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ मैं? बोल सकता, अब कुछ बोलना है तो अच्छा बोलो, बोलो बोलो। बोलू? हाँ बोलो मेरे बाप। नट्टू नट्टू नट्टू, अभी हम तेरा नट्टी चिपते हैं, अभी बताते हैं तुमको, रुको अभी हम तुम्हें बताते हैं, नट्टू है, बताते हैं नट्टू, अभी बताते हैं नट्टू, नट्टू, फिर मिलते हैं आपको अगले संडे को। नट्टू नट्टी नट्टू तो नट्टी नट्टू नट्टी। We'll be right back.